बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास ऑफ सोशल स्टडी फॉर द क्लास फोर्थ। टुडे आवर क्लास इज अबाउट डायरेक्शंस। यू विल लर्न दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस आर देयर and how can we use these direction on a map। तो सबसे पहले इसी सबक के दौरान जो की वर्ड्स आएंगे उसके मीनिंग आपको समझा दूँ। कॉर्डिनल, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन में एक किस्म के डायरेक्शन को हम कॉर्डिनल डायरेक्शन कहेंगे। तो कॉर्डिनल का मतलब क्या है? तो ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है सीधा लाइन या अहम ज़रूरत, सीधा लाइन या अहम ज़रूरत। चूँकि कॉर्डिनल, आगे आप लोग समझेंगे, ये स्ट्रेट लाइंस होते हैं। कॉर्डिनल डायरेक्शन जो होते हैं ये नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट तक सीधे सीधे लाइन होते हैं, इसलिए हम इसे कॉर्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। इसी तरह दूसरे जो किस्म है लाइंस का या डायरेक्शन का वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो इंटरमीडिएट ये दो अतराफ के दरमियान का जो हिस्सा होता है, दरमियान वाला जो डायरेक्शन होता है उसे हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। यानी नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो डायरेक्शन आता है उसे हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। तो आए सीखे के हाउ मेनी डायरेक्शन आर देयर। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ डायरेक्शन। वन इज कॉल्ड मेन डायरेक्शन या कॉर्डिनल डायरेक्शन। द सेकेंड वन इज कॉल्ड सब डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जो कॉर्डिनल डायरेक्शन है वो चार अकसाम के हैं, यानी ये जो डायरेक्शन है वो चार हैं। कौन कौन से हैं वो? नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कार्डिनल और मेन डायरेक्शन कौन कौन से हैं? वो हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इसी तरह जो सब डायरेक्शन या इंटरमीडिएट डायरेक्शन हैं वो कौन कौन से हैं? वो है नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये भी चार हैं, यानी इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो हैं ये भी चार हैं और जो कार्डिनल डायरेक्शन है वो भी चार थे। अब नक्शे पर हम इन डायरेक्शन को किस तरह, इन डायरेक्शन की मदद से किसी प्लेस को किस तरह लोकेट कर सकते हैं, आओ एक गेम खेलें इसके बारे में, जिससे आप लोग डायरेक्शन के बारे में इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख सकते हैं। यू हैव स्टडी ऑलरेडी अबाउट द कंपस रोज। यू नो दिस इज कंपस रोज। You know it that this is compass rose। इस पर भी यही direction है, ये north south east और west। और इसी तरह और भी इस पर जो direction है वो दिए गए हैं। इसी के साथ ये slide में जो आपको नज़र आ रहा है, ये फ़र्ज़ करें एक मकाम है जिस पे ये सब मकामात हैं। ये एक बड़ी जगह है जिस पे ये छोटी छोटी जगह हैं। ये हैं R, ये है M, ये है L, इसी तरह ये Q और ये T।
अगर आप लोगों को, अगर आप लोगों ये फ़र्ज़ कर लें, ये आप लोगों के सामने एक नक्शा है, ये जो ग्रीन कलर में है ये आप लोगों के सामने नक्शा है और ये उस पर कंपस मौजूद है। इस कंपस की मदद से आप इस जज़ीरे पे मकामात की निशानदेही करेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि क्यू से जाकर एम तक जो डायरेक्शन है, क्यू से एम तक डायरेक्शन कौन सा है, तो अगर आप लोग इस कंपस पे देख लें तो ये इस तरह का डायरेक्शन आता है, बिल्कुल इस तरह का डायरेक्शन आता है। तो ये डायरेक्शन कौन सा है देख लें, गौर कर लें। जी बिल्कुल, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यानी क्यू से एम तक जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। जी बिल्कुल, इसी तरह अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि टी से एल तक जो डायरेक्शन है, टी से एल तक जो डायरेक्शन है, यानी टी से एल तक जो डायरेक्शन है ये कौन सा है, इसको आप कौन किस नाम से पुकारेंगे, तो अगर आप कंपस रोज पर देख लें तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है इसे आप देख लें कौन सा डियर, ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। तो ये टी से एल तक जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि एम से क्यू तक, एम से क्यू तक जो डायरेक्शन है ये कौन सा है, तो आप लोग अगर देख ले कंपस रोज पे तो ये इस तरह का डायरेक्शन बनता है, बिल्कुल इस तरह का डायरेक्शन बनता है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, कैन वी नेम दिस डायरेक्शन, जी यस यस यस, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, बिल्कुल यही तरीका है। फर्ज कर लें ये आपके सामने ये एक नक्शा पड़ा है और इसी के साथ ये रोज़ कंपस भी होगा, तो इसी रोज़ कंपस की मदद से आप एक जगह को लोकेट कर सकते हैं। ये था आज का पहला लेसन, इसकी समरी देख लेते हैं। डायरेक्शन, देयर आर टू डायरेक्शंस, नेम कॉर्डिनल डायरेक्शन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर मेन डायरेक्शंस आर सब डायरेक्शन, यानी ये दो नाम इसे दिए जाते हैं लेकिन जो हमारी बुक में है उसी नाम से हम पुकारेंगे। तो मेन डायरेक्शन को हम कॉर्डिनल डायरेक्शन कहेंगे और सब डायरेक्शन जो है इसको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहेंगे। तो जो कॉर्डिनल डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इसी तरह साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये थे डायरेक्शन। यकीनन डेफिनेटली यू पीपल हैव लिसन टू दिस लेसन वेरी केयरफुली। नाउ आई एम असाइनिंग यू सम वर्क, तो इसको ज़रा गौर से पढ़ लें और अपनी कापियों में, या जब भी आप इंशाल्लाह को नेक्स्ट जो देंगे होमवर्क उसमें आप लोगों ने ये हल करना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड डैश डायरेक्शन। दूसरा जो नंबर है, डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज कॉल्ड डैश डायरेक्शन। दो सवालात छोटे छोटे, पहला नंबर व्हाई नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आर कॉल्ड कार्डिनल्स। दूसरा जो सवाल है, नेम द डायरेक्शंस अबव योर हेड टू योर लेफ्ट एंड टू योर राइट। दैट वॉज आवर टूडेज लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सुना भी होगा और याद भी किया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।